हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरकरी के बारे में और मरकरी के उदय होने के बारे में, क्योंकि 13 जनवरी 2023 को मरकरी उदय हो रहा है यानी राइज हो रहा है, और 2 जनवरी को ये अस्त हुआ था। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन 13 जनवरी को मरकरी उदय होने वाला है। और मरकरी जिस राशि में है वो है धनु राशि। धनु राशि में मरकरी 7 फरवरी तक रहने वाला है, यानी 7 फरवरी के बाद मरकरी मकर राशि में चला जाएगा, यानी मकर राशि में उसका गोचर हो जाएगा। लेकिन धनु राशि में मरकरी है तो सही, लेकिन मरकरी अपनी वक्री चाल में है यानी रेट्रोगेशन में है, और इसके साथ साथ 2 जनवरी को मरकरी आपका अस्त भी हो चुका था, और अब 13 जनवरी को ये मरकरी उदय होगा। तो 12 राशि 12 लगन वालों के ऊपर क्या असर आने वाला है, और मरकरी को जैसे हम जानते हैं कि मरकरी का संबंध डेली के काम धंधे से है, बिजनेस से है, आपके माइंड से है, आपकी पढ़ाई से है, आपके जो भी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जो भी कैलकुलेशन होती है डेली का, जो भी आपका एक डाटा तैयार होता है बिजनेस को लेके, बिजनेस का नफा नुकसान फायदा घाटा, और आपके आसपास जितनी भी चीजें चल रही हैं वाणिज्य से संबंधित और ट्रैवल से संबंधित, और जितनी भी जो हमारी आप देखते हैं कि सेंसेक्स ऊपर नीचे होता रहता है, ये सारा कंट्रोल जो है मरकरी का है, क्योंकि मरकरी का संबंध बिजनेस से है और डेली के काम से है। तो ऐसा मरकरी जब उदय होगा तो क्या होगा, यानी डेली के काम में कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है, तेजी आने वाली है, लेकिन फिर भी मरकरी रेट्रोगेशन में है। तो रेट्रोगेशन में होने का मतलब यह है कि काम धंधे तो होंगे लेकिन उसमें थोड़ी बहुत बाधाएं फिर भी रहेंगी। तो बात करते हैं कि 12 लगन 12 राशि वालों के ऊपर इसका क्या असर आने वाला है। और अगर हम एरीज की बात करते हैं तो मरकरी आपके थर्ड हाउस यानी स्किल और सिक्स्थ हाउस जॉब डेली का काम इसका लॉर्ड है, 9th हाउस में इसकी प्लेसमेंट है और 9th हाउस में मरकरी उदय होगा। तो इसमें आपको अपने स्किल के द्वारा लाभ मिलने वाला है, जो भी आपका स्किल है, जो भी आप जानते हैं उसके थ्रू आपको गेन होगा और फायदा होगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं जॉब में आपको फायदा मिलेगा, या जॉब ढूंढ रहे थे जॉब नहीं मिल रही थी तो उसके भी मिलने के योग आपके बर्थ चार्ट में अब बन जाते हैं। आप बीमार चल रहे थे, दवाइयां खा रहे थे लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था, अब दवाइयों का असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मरकरी यहां पर उदय हो रहा है आपके 9वें घर में। बात करते हैं वृषभ राशि और वृषभ लगन की। वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के लिए मरकरी सेकेंड हाउस वैल्यू एंड वेल्थ स्पीच और फिफ्थ हाउस यानी आपकी एजुकेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो भी क्रिएटिव टैलेंट होता है वो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और जो भी आप कुछ नया करते हैं, जो भी आप कुछ नया क्रिएट करते हैं उसका संबंध पंचम भाव से है। पंचम भाव का संबंध आपकी एजुकेशन से है, आपकी संतान से है और आपके लविंग पार्टनर से है। तो सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड मरकरी आपके 8th हाउस में उदय हो रहा है। 8th हाउस में मरकरी उदय होगा तो बहुत अच्छी बात है, डूबा हुआ पैसा हो सकता है आपको मिले, यानी कहीं पर अगर आपने किसी को कुछ पैसा दिया था, इन्वेस्टमेंट की थी, पैसा डूब चुका था तो इस पीरियड में मिलने के चांस हैं। 13 जनवरी के बाद वो पैसा हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी रखनी है। आगे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी सोच समझ के करें, क्योंकि मरकरी अब भी रेट्रोगेशन में रहेगा, और जो भी आपके लविंग पार्टनर हैं उनके साथ आपके संबंध थोड़े से बैलेंस्ड हो सकते हैं इस पीरियड में, और बच्चों के साथ थोड़े अपने संबंध और अच्छे तरीके से आपके बन सकते हैं यानी बेटर हो सकते हैं। मिथुन की अगर हम बात करते हैं यानी जेमिनी राशि और जेमिनी लगन वालों की बात करते हैं, तो मरकरी आपके फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, आपके 7th हाउस में उदय हो रहा है। वाइफ के साथ या पार्टनर के साथ जो रिलेशन बिगड़े हुए थे, बातें समझ में नहीं आ रही थी कि दोनों एक दूसरे को कैसे समझाएं, कैसे अंडरस्टैंड करें, लेकिन अब वो समय आने वाला है कि आप एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और हो सकता है कि इस पीरियड में आपका जो व्यापार है वो भी तरक्की करे, और पार्टनर की तरफ इस तरफ आपका बहुत ज्यादा ध्यान रहने वाला है। पार्टनर के साथ मिलकर काम करना, पार्टनर के साथ रहना, पार्टनर के साथ मिलकर कुछ नई चीजों की शुरुआत करना, उसके लिए ये जो वक्त है, ये जो समय है, बहुत अच्छा रहने वाला है। कैंसर की अगर हम बात करते हैं यानी कर्क लगन और कर्क राशि वालों की अगर हम बात करते हैं, तो मरकरी आपके 12th हाउस और आपके बर्थ चार्ट में मरकरी 3rd हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस में उदय हो रहा है।
तो जो भी आपका स्किल है उसके थ्रू गेन होगा, आप जॉब कर रहे हैं जॉब में गेन होगा, जॉब आप कर रहे थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि काम कब तक चलने वाला है, लेकिन अब आपको पूरा अप्रूवल मिल पाएगा काम धंधे को लेके कि काम आपका कब तक चलेगा, कब तक रहने वाला है, काम के अंदर प्रमोशन होगी कि नहीं होगी, सैलरी अगर बढ़नी है तो इस पीरियड में बढ़ सकती है, कोई बाहर से आपको नया काम मिल सकता है, नया ऑफर मिल सकता है। अगर आप बाहर से कुछ चाहते थे कि बाहर से कोई नया काम आए या मैं बाहर जाके काम करूं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूं और उसमें मुझे सफलता मिले, तो ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सिंह लगन यानी लियो राशि और लगन की अगर हम बात करते हैं तो मरकरी आपके सेकंड हाउस और आपके वर्ष 8 में 11th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस का संबंध गेन से है, सेकंड हाउस का संबंध वैल्यू एंड वेल्थ से है और मरकरी आपके पंचम भाव में उदय हो रहा है, यानी स्टॉक मार्केट, सट्टा जुआ, लॉटरी और स्पोर्ट्स में जो लोग पैसा लगाते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन फिर भी मरकरी अपने रेट्रोगेशन में है तो हो सकता है कि चीजें अब भी थोड़ी बहुत अटकी रहें, लेकिन फिर भी अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाह रहे थे, पैसा लगाना चाह रहे थे या किसी ऐसी चीज में पैसा लगाना चाह रहे थे कि जहां पर पैसा रातों रात डबल हो जाए, तो उसके लिए अच्छा टाइम है, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है क्योंकि मरकरी अब भी अपने रेट्रोगेशन में है। आपके फ्रेंड्स लोगों से आपको फायदा मिल सकता है और लविंग पार्टनर जो है आपके उनके साथ भी आपका जो सामंजस्य है वो बैलेंस रहने के योग आपके वर्ष 8 में बनते हैं। फिर हम कन्या लगन यानी वर्गो लगन और वर्गो राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो मरकरी आपके फर्स्ट हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है, आपके फोर्थ हाउस में आ चुका है, फोर्थ हाउस में मरकरी उदय हो रहा है, यानी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे थे, कोई नया काम धंधा खोलना चाह रहे थे, अपने घर में रहकर कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है। तुला राशि और लिब्रा एसेंडेंट यानी लिब्रा लगन और लिब्रा राशि वालों के लिए, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए मरकरी आपके 12th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस में उदय हो रहा है, आपकी हायर एजुकेशन के थ्रू आपको गेन मिलेगा, कहीं बाहर से आपको कोई ऑफर आ सकता है, आपके स्किल से जुड़ी हुई चीजों से भी आपको गेन मिल सकता है, जो लोग आपके साथ काम कर रहे थे उनके साथ आपके संबंध जो है इस पीरियड में मधुर रहेंगे, आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, अगर इससे पहले कुछ तकलीफ चल रही थी तो अब आप दोनों एक दूसरे की बातों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक अगर हम इसकी बात करते हैं तो मरकरी आपके 11th हाउस और आपके 8th हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस में चला गया है, सडन गेन होने के योग हैं, अचानक से पैसा मिल सकता है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एंड वेल्थ का गेन हो सकता है और पार्टनर्स के थ्रू भी आपको गेन हो सकता है और आपको अपने बिजनेस के थ्रू भी गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी आपको थोड़े से रुकने की जरूरत है, 7 फरवरी के बाद आप अपना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। धनु राशि यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट और राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो मरकरी आपके 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है, 1st हाउस में प्लेस्ड है, अगर शादी की बात चल रही थी, बात पूरी नहीं हो रही थी, तो अब अच्छा टाइम है शादी करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए और कोई नया स्टार्टअप के लिए, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, काम धंधा करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कुछ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा था, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मकर राशि और मकर लगन की अगर हम बात करते हैं यानी कैप्रिकॉन एसेंडेंट और कैप्रिकॉन मून साइन की अगर हम बात करते हैं तो मरकरी आपके 6th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में इसकी प्लेसमेंट है, 12th हाउस में मरकरी उदय हो रहा है, कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं बाहर आप ऑलरेडी गए हुए हैं, वहां कोई काम धंधा सर्च कर रहे थे, काम नहीं बन पा रहा था, अब ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि इस पीरियड में आपके जो काम धंधे हैं वो बन सकते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप बाहर जाके कोई नई पढ़ाई अपनी स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा आपकी कुंडली में टाइम चल रहा है। कुंभ राशि और कुंभ लगन की यानी एक्वेरियस एसेंडेंट और एक्वेरियस मून साइन की अगर हम बात करते हैं तो मरकरी आपके 5th हाउस और आपके 8th हाउस का लॉर्ड है, आपके 11th हाउस में उदय हो रहा है, लविंग पार्टनर के थ्रू गेन, चाइल्ड बर्थ का गेन, क्रिएटिविटी के थ्रू गेन, अननोन सोर्सेज से भी बेनिफिट मिल सकता है यानी मॉनेटरी गेन हो सकता है।
पाइसिस यानी मीन लगन और मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मरकरी आपके फोर्थ हाउस और सेवंथ हाउस का लॉर्ड है। पार्टनरशिप के लिए अच्छा टाइम है। टेंथ हाउस में मरकरी उदय हो रहा है। काम धंधे में जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत अब बंद हो जाएगी। पार्टनरशिप के थ्रू गेन है और फैमिली के थ्रू भी गेन हो सकता है। प्रॉपर्टी के थ्रू भी गेन हो सकता है। कोई नया प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे उसमें भी आपको गेन हो सकता है। प्रमोशन के चांसेस दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है क्योंकि मरकरी अब भी अपने रेट्रोग्रेशन में रहेगा 13 जनवरी के बाद भी। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि 12 राशि और 12 लगन वालों के ऊपर मरकरी के उदय होने का क्या असर होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मरकरी के बारे में यानी बुध के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।